जल झूलनी एकादशी के तहत मंदिरों में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक, नवीन पोशाक धारण करवाने के साथ ही जल विहार करवाया गया। इसके साथ कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की गई। बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के चलते जयपुर में वृहद स्तर पर डोल यात्राएं नहीं निकाली गई। मंदिर परिसर में ही सभी रस्मों को पूरा किया गया। जल झूलनी परिवर्तनी, पदमा एकादशी, डोल ग्यारस और बावन जयंती एकादश के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन करीब दो महीने बाद जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा के दौरान करवट बदल लेते हैं। जल झूलनी एकादशी के चलते जयपुर के आराध्य गोविंद देवजी महामंदिर में ग्वाल आरती के बाद सालिक राम जी को चौकी पर विराजमान कर संकीर्तन के साथ तुलना मंच तक ले जाएगा। पूजा के बाद सालिक राम जी को पुनः गृह गर्भ में विराजमान करवाने के साथ ही डोल यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्त सामाजिक दूरी की पालना के साथ ठाकुर जी के दर्शन करते रहे। जयपुर के सुभाष चौक स्थित सरस निकुंज में महंत के सानिध्य में आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर, चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर, मदन गोपाल पुरानी बस्ती गोपीनाथ जी, चांदनी चौक स्थित आनंद कृष्ण बिहारी जी, रामगंज बाजार स्थित लाडली जी मंदिर में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। गुलाबी नगरी जयपुर में सभी इष्ट आराध्य स्थानों पर अपने अपने परंपरा के अनुसार जल झूलने एकादशी महोत्सव का आनंद प्रातः काल से ही मनाया जा रहा है। सूक्ष्म बताए आचार्य पीठ श्री सरस्वती कुंज में प्रातः ठाकुर जी की राधा सरस्वती सरकार की मंगलमय सेवा पूरी विधान के साथ करके मध्यान्ह मेला के समय तुलसी छावने के बाद श्री ठाकुर श्री सालिग्राम जी को ले जा करके दर्शन कराए गए। वहीं आपकी आरती ऋतु पल्लवों से भोग लगा करके अचमन करा करके निज मंदिर में श्री शालिग्राम जी को विराजमान किया गया। आज जहां जल झूलनी एकादशी वहीं बावन अवतार का भी दर्शन है। ठाकुर जी बावन द्वादशी के भाव से बावन एकादशी भी बोली जाती है। आज के दिन राजा बलि के नाम बावन भगवान बावन स्वरूप धारण करके पधारे थे। एक और भाव इसमें जुड़ा है। संध्याकालीन में सभी अपनी अपनी परंपराओं के साथ डोल महोत्सव के नाम से शहर में नगर में ये डोल निकाला करते थे। अनेक जगह सरोवरों के पास ले जाकर के ठाकुर जी को अचमन विहार की, नौका विहार की सेवाएं करी जाती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रभाव के कारण ये सब समस्त प्रतीकात्मक रूप से उस समय मनाया गया। निज मंदिर परिसर में सबने डोल निकाल करके इस भाव को परिपूर्ण किया। ऐसा ही भाव सरस्वती कुंज में प्रातःकाल करके उसकी पूर्ति करेंगे। सायंकाल पटगायन के साथ में ठाकुर जी के लाल बाकी पौड़ावनी के दर्शन कराए जाएंगे। आचार्य पीठ श्री सरस्वती कुंज छत्तर प्रवीण बनेरिया आज की इस परिवर्तन एकादशी की अथवा जल झूलने एकादशी की सबको शुभकामना देता हूँ और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस संक्रमण से निजात दिलाकर हमारे सब आयोजनों को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राम।